हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रोटेरियन अकेडमी की मानीग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है 3i इन्फोटेक। 3 जनवरी को भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था 3i इन्फोटेक के ऊपर और ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। तो दोस्तों, अगर आप 3i इन्फोटेक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या आप इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं 3i इन्फोटेक सीआर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं 3i इन्फोटेक के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। दोस्तों, 3 जनवरी पे मैं जब इस वीडियो को पोस्ट किया था तब प्राइस यहाँ पे था, इस जगह पे। और 3 जनवरी का जो वीडियो था उसमें मैंने यही दो लेवल दिया था, एक था 7.75 रुपीज और एक था 9.15 रुपीज। और दोस्तों, मैं वहां पे वीडियो पे यही बोला था कि 3i का प्राइस यहाँ पे जितना भी आपको बुलिश लगे, यही दोनों जो लाइन मैंने वहां पे दिया था, इसी लाइन में से कोई एक लाइन से ये रिटर्न करेगा। तब दोस्तों, उस वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट मिला और लोग जो है गंदे गंदे कमेंट किए थे वीडियो के नीचे। कुछ लोग बोले थे कि भाई ये 15 रुपया तक चला जाएगा और मुझे कुछ लोग गाली भी दिए थे। तो दोस्तों, उन लोगों के साथ मेरा सहानुभूति है, क्योंकि मुझे पता है वो लोग ही ज्यादा गंदे गंदे कमेंट करते हैं जिनका नॉलेज कम होता है। और दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के बाद भी अगर इसमें कोई इन्वेस्ट कर चुका था, उसका इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हुआ था इस कैंडल पे, इससे पहले तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हुआ और आज वो लॉस पे है। और जिन लोगों ने मेरा बात सुना और इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, वो लोग अभी शायद अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर रहा है और उन लोग अपने आप को लाकी मान रहा है कि मेरा वीडियो वो लोग देख पाए थे, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर चुके होते तो अभी बहुत लॉस में होते। और दोस्तों, मैं अभी भी बोलूंगा कि 3i इन्फोटेक अभी भी कोई भी बुलिश साइन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये अभी भी बीआरडीस है, ये और भी नीचे गिर सकता है। जब तक दोस्तों 915 के ऊपर, मतलब 9.15 रुपीज के ऊपर प्राइस नहीं चला जाता है और उसके ऊपर भी एक ब्रेकआउट सिम्टम हम लोगों को नहीं दिखने को मिलता है वॉल्यूम के साथ, तब तक आप सोच के रखिए कि 3i इन्फोटेक बीआरडीस है। और दोस्तों, आज मैं वो प्राइवेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं 3 जनवरी को अपने स्टूडेंट को समझाया था। 3 जनवरी को मेरा स्टूडेंट लोग मुझे क्वेश्चन किया था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 3i का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा और जा नहीं सकता है। तो मैं उसको डिटेल्स में, मेरा जो स्टूडेंट था उनको समझाया था कि ये प्राइस क्यों ऊपर नहीं जा सकता है और अगर जाना है तो इसमें क्या सिम्टम आपको दिख सकता है। तो दोस्तों, वो 3 जनवरी का वीडियो जो मैंने स्टूडेंट को समझाया था, वो अभी तक मेरे पास प्राइवेट में पड़ा हुआ था। आज मैं आप सभी के लिए वो वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक स्टॉक का एनालिसिस के पीछे कितना जो है मेहनत लगता है और कितना कुछ देखना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कुछ भी बिना सोचे समझे आके नेगेटिव कमेंट देता है, और नेगेटिव कमेंट तो छोड़िए, गाली देते हैं कमेंट में। तो मेरा और कुछ नहीं, मेरा उनके साथ सहानुभूति है और मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वो प्राइवेट वीडियो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, जहां पे आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा कि ये जो शेयर प्राइस है मैं क्यों बोला था, ये दोनों लाइन में क्यों दिया था, और आपको अगर इसमें कोई ब्रेकआउट ढूंढना है तो कहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं और पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो गैदर करते हैं। दिख रहा है चार्ट? ये कैंडल देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं डेली पे लेके आया तो आपको ये मतलब नहीं रहेगा, इसको देख, ये कैंडल दिख रहा है ना, वॉल्यूम ग्रीन पे है ना। 90% लोगों को पूछ लेना यहाँ पे क्या हुआ है, बोलेगा बाइंग हुआ है। वॉल्यूम ग्रीन पे दिख रहा है ना, प्राइस भी ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है। तो 90% लोग क्या बोलेगा, इसमें बाइंग हुआ है। यही चीज मैं वहां पे समझाया
और लोगों ने जो है कितना कितना गंदा गंदा कमेंट किया है आपको पता नहीं है। तो ठीक है चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, 3i इन्फोटेक है ना ये, डेट कितना दिख रहा है इसका, 28th दिसंबर 2020 राइट। यहाँ पे हम लोग जाते हैं बल्क डील ब्लॉक डील में, ये सर चेंज कर दिया ना पूरा, मेरा प्रॉब्लम हो गया डील्स बल्क डील। क्या दिख रहा है यहाँ पे 28 दिसंबर को, क्या दिख रहा है आपको, सेलिंग दिख रहा है सेल 28 दिसंबर में, कोई बाइंग दिख रहा है यहाँ पे आपको, कहीं पे परचेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अदृति फाइनेंशियल सर्विस में दिख रहा है, सब सेल है ना। तो ये जो है ना ये आंखों का धोखा है, ये एक्चुअली सर सेलिंग प्रेशर के लिए बड़ा कैंडल बना, बाद में जब बाइंग हुआ तो प्राइस उसमें आया, इसीलिए ग्रीन कैंडल बन गया। अरे बाइंग नहीं हुआ है भाई, जो ओके डीआईआई है ना वो ऑफलोड रिटेल किया, ट्रेडर को अपना चीज थमा के चला थमा के गया। चला गया, वही है। मैंने देखा दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला कि साम जीरो गेम है, वो सेल किया है तो कोई ना कोई बाई किया होगा, एक्स्ट्रा बाई नहीं हो सकता है। हाँ तो रिटेल ट्रेडर को थमा के चला गया। वो रिटेल ट्रेडर को थमा के चला गया है। अभी सर ये ऊपर जा और रहा है ये जो इसके वॉल्यूम है नीचे, ना इतना अच्छा देख के लोग इसमें कूद पड़ रहा है, लेकिन इसमें कूदने जैसा कुछ नहीं है। और जिस दिन सर ये बंद मतलब रिवर्स होना शुरू कर देगा उस दिन वो सर्किट में रिवर्स होगा। अभी सर्किट लगते लगते कहां से रिवर्स होगा पता है, हाँ वो रिवर्स होगा इस लेवल से, मैंने जो लेवल दिया था यार, हाँ ये दोनों में से कोई एक लेवल में जाएगा और यहाँ से गिरेगा। इसके बारे में भी मैंने बोला था ना लोगों को खरीदने के लिए मना किया था, JMT ऑर्डर याद होगा, ये अभी भी देखो ड्राइंग है यहाँ पे, ये देखो ड्राइंग है। मैंने यहाँ पे समझाया था लोगों को कि भाई मत खरीदो मत खरीदो, यहाँ पे दो दो जो है बल्क डील हो गया है सेलिंग का, और उसके बाद देखो किसी को बेचने का भी मौका नहीं दिया। मिलेगा जो लोग यहाँ पे खरीदा है ना वो अभी कितना लॉस में है आप सोचो, 7 रुपया पैसे खरीदा है, अभी 2 रुपया 80 पैसा है। आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लो, मैंने बार बार मना किया था कि मत खरीदो मत खरीदो, भाई यहाँ पे सब सेलिंग दिख रहा है मुझे बल्क डील में, और ये भी सर्किट लगते लगते ऊपर जा रहा है। सर्किट लगने के टाइम आप ना खरीद पाओगे, और जब नीचे आ रहा है तब भी सर्किट लगते लगते आ रहा है, ना आप बेच पाओगे। तो ये जो होता है ये आंखों का धोखा होता है, ट्रैप होता है। सर, मैं इसको समझ नहीं पाया सर, एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या सर, कहाँ पे ये मतलब इसमें कैसे मतलब बोल रहे हैं कि उसमें बाइंग हुआ या सेलिंग हुआ, मतलब समझ नहीं पाया मैं सही तरीके से, एक बार रिपीट कौन सा, करेंगे। 3i इन्फोटेक का? देखो हाँ 3i इन्फोटेक का। मैं और एक बार समझा देता हूँ, जितना बार समझ में नहीं आ गया उतना बार पूछना ठीक है। जी यहाँ पे वॉल्यूम आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है ना, ये ग्रीन में है, तो 90% ट्रेडर क्या करेगा, क्या समझेगा यहाँ पे? ये बाइंग आया है ये समझेगा, आपको बायर्स। ये रिपोर्ट दिख रहा है, हाँ ये रिपोर्ट दिख रहा है सर, ये डेट कितना है, 28 दिसंबर, ये डेट कितना है, ये भी 28 दिसंबर है, ये डेट कितना ट्वेंटी एट है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये सेल दिख रहा है, यहाँ पे 28 दिसंबर में कोई पार्चेस दिख रहा है आपको, नहीं तो क्या हुआ है? वही सेल ही हुआ है मतलब। तो मैं बोला, तो ये तो सर दूसरा स्टॉक है क्या, ये हाँ थ्री आई है। भाई ये भी तो 3i है। अब देखो यहाँ पे ये तो 3i इन्फोटेक लिखा हुआ है, ये देखो अच्छा, ठीक। हुआ क्या कि DII ने सेल किया और नॉर्मल पब्लिक ने बाई किया उतनी क्वांटिटी, तो इसलिए वो ग्रीन हाँ हो गया। वो इक्वल इक्वल हो गया वहां पे, प्रेशर मार्केट इक्वल हो गया, लेकिन प्रेशर कौन सा तरफ था? था आपका सेलिंग की तरफ। हाँ तो यही चीज मैंने वहां पे वीडियो में बताया, और उसके लिए मुझे बहुत गाली पड़ा यूट्यूब में अच्छा वो वीडियो बहुत नेगेटिव देखा नहीं। कमेंट हाँ आया बहुत सारे, ठीक हाँ है। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए। वॉल्यूम
वॉल्यूम का कलर वो ग्रीन और रेड कैसे होता है? देखो वॉल्यूम का ये जो ग्रीन रेड दिखता है ना, ये यहाँ पे डोजी है ना, तो ये ग्रीन ही दिखेगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर ओपन प्राइस से थोड़ा नीचे क्लोजिंग प्राइस हो जाता तो ये रेड दिखता। ओके ओके इसी को अगर मैं 1 घंटे का चार्ट में लेके जाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है सब डोजी में आपको ग्रीन दिख रहा है ना। चलो यस सर। 4 आवर का चार्ट में देख लेते हैं। 240 अभी इसी चार्ट को मैं 4 आवर करके लोगों को दिखाऊंगा ना, लोग बोलेगा यहाँ पे सेलिंग हुआ, तब लोगों को समझ में आएगा कि भाई हाँ यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे तो रेड है, इतना सारा वॉल्यूम है तो सेलिंग हुआ है, बाइंग तो हुआ नहीं है। लेकिन इसी सेम चीज को मैं जब ऐसे दिखाऊंगा, बोलेगा यहाँ पे तो बाइंग हुआ है, सेलिंग तो हुआ नहीं है, लेकिन सेम डे है ना। ओके सर। कौन सा टाइम फ्रेम लेके हमें डिसीजन लेना है सर, ये नहीं समझ में आया। क्योंकि सर यहाँ पे जैसे अगर मैं सोचती थी तो यहाँ पे मैं तो यही सोचती थी सर कि मैंने तो वॉल्यूम है। आपको वही दिखाया कि टाइम फ्रेम पे ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, अच्छा आपको बाकी जगह से समझ में आना चाहिए कि बाइंग हुआ है सेलिंग हुआ है, वो अच्छा हमको रिपोर्ट से समझना है, बाकी जगह पे देख के समझना है, कहाँ पे प्राइस है वो देख के समझना है कि उसमें बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है। वो सब मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सबको बोलूंगा कि कैंडल स्टिक्स का कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने से वो सेलिंग होता है, कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने से उसको बाइंग होता है। सर, वॉल्यूम यानी मोमेंटम नहीं रहता है क्या सर? क्या वॉल्यूम जैसे है तो वो उसे हम मोमेंटम नहीं बोलेंगे क्या? वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मोमेंटम बढ़ता है, ऐसा हम कोरिलेट नहीं कर सकते उसको? कर सकते हैं तो क्या? कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ने से तो मोमेंटम बढ़ेगा ही। हाँ तो फिर सर यहाँ पे मोमेंटम बढ़ा होगा ना, लेकिन सेलिंग। यहाँ पे उसके बाद और कोई वॉल्यूम आया ही नहीं, और आप यहाँ पे खरीद ही नहीं सकते हो। हाँ। देखो मोमेंटम तो बड़ा है क्योंकि इसके बाद देखो प्राइस इतना ऊपर चला गया, लेकिन सर्किट लगते लगते गया ना, तो आप इसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ये सर्किट लग गया तो हमें सर इस कंडीशन में वेट करना है। हाँ वेट करना ओके सर। सर और इसका सर और सर अगर 28 में ही अगर बाय कर लेते तो सर, तो फिर वहां पे दिखता ना आपको प्रॉफिट। पार्चेस, पार्चेस की जगह पे आपको दिखता है और एक बाई का एंट्री दिखता है। मैं बोलने का ये कोशिश कर रहा हूं कि हर ग्रीन कैंडल बाइंग नहीं होता है और हर रेड कैंडल सेलिंग नहीं होता है, नहीं होता है ठीक है। उसका सर। एक कहने का मतलब यह है कि हमें 360 व्यू करना है, 360 डिग्री हाँ, हम लोग को देखना है। 360 डिग्री व्यू करना है इसको। कभी भी कैंडल का कलर देख के हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि यहाँ पे बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है, ठीक है। डबल कंफर्मेशन हम लोग रिपोर्ट से लेंगे, हाँ डबल कंफर्मेशन जो सेकंड कंफर्मेशन होती है रिपोर्ट से लेंगे। हाँ रिपोर्ट से सेकंड कंफर्मेशन लेंगे, नहीं तो कैंडल स्टिक्स का जो पोजीशन है उसको देखेंगे कि कौन सा पोजीशन में वो क्रिएट हो रहा है, मतलब अच्छा वो एक्यूमुलेशन जोन पे हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन का जोन पे हो रहा है, राइट सर। ठीक है। वो सब चीज देखेंगे और उसके बाद ही डिसीजन लेंगे ना। ओके सर, इसमें जैसे अभी हुआ 28 दिसंबर को बिग हैंड्स ने सेल किया, तो उसके बाद रिटेलर्स ने इसको परचेज किया, उसके बाद कंटिन्यूस रिटेलर ही उसको परचेज कर रहे हैं पार्चेस क्योंकि वो कहाँ रहा वीक है, एंड ये है। तो सर्किट लग रहा है, रहा सेलर तो है ही नहीं ओके सेलर ना है ही इस। नहीं। देखो जो रिटेलर है वो पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, कि भाई ये तो ऊपर जाएगा मैं पकड़ के बैठा रहूंगा, और जो DII है वो सोच रहा है कि भाई रिटेलर पकड़ के बैठा हुआ है तो जो लोग बाई करने के लिए आ रहा है उसको मैं और थोड़ा ऊपर जाके बेचूंगा ना। तो ओके आप देखोगे इसके बाद और एक कैंडल बनेगा जहां पे और एक बल्क डील या ब्लॉक डील होगा, आपको यहीं पे दिख जाएगा रिपोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो JMT ऑटो में भी वही हुआ था, पुराना वीडियो खोल के देख लो, मैंने वहां पे बोल दिया था जगह कि भाई ये एकदम नीचे आने ही वाला है। तो वो ऐसा ही होता है इसका जो है, आप अगर देखोगे ना मंथली चार्ट में, वैसे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने जो चीज वहां पे दिखाया यूट्यूब में कि कैसे करना है, उसका एक मतलब नॉर्मल सा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको देखना है। यहाँ पे देख रहे हो ये है ना,
मंथली एक हाई, यस ये कहाँ पे आ रहा है आपको लग रहा है? हायर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट गिरेगा कहाँ से? बट आप यहाँ पे आपका जो पुराना मेथड है वो भी अगर यूज कर लोगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे भाई, ठीक है चलो। वैसे भी ट्रेंड लाइन में ड्रॉ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो यहीं से गिरेगा, नेक्स्ट सर्किट उसके बाद रेड आएगा ना यहाँ से। हाँ जी सर, फिर तो और नीचे जाएगा। वही तो मैंने वीडियो में बोला, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे ब्रॉड व्यू में देखना है स्टॉक को। हाँ जी सर, ठीक है। कभी भी दौड़ता हुआ स्टॉक के अंदर जाना नहीं है, सोच समझ के जाना है, सब कुछ देख के, चाहे उसमें थोड़ा लेट एंट्री हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दी एंट्री करने के चक्कर में स्टॉप लॉस ना हो, तो वो चीज हम लोग को देख के करना है कि कहाँ पे है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। और इसलिए मैंने 9.515 को इसलिए दिया है क्योंकि अगर इसके ऊपर चला जाएगा ना ऐसे, तो यहाँ पे हायर हाई बना देगा, तब जाके इसका ट्रेंड चेंज होगा। मतलब अगर हायर हाई बनता है यहाँ और इसके बाद अगर ऐसा आके ऐसे जाता है, तब इसके ऊपर हम लोग बाई कर सकते। सर रिटेस्ट में बाई करना चाहिए या जो समय सपोज कीजिए जहां पर आपने ये ऑलवेज रिटेस्ट ऑलवेज मतलब नहीं सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने यहां पर एक छोटा सा गोला बनाया है 12 के अराउंड, ओके, तो बेटर इस बाई 9 पॉइंट, जैसे 9.15 था इसको इसने क्रॉस किया है, बाई नहीं कर सकता ना जब तक यहाँ से आके इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छा, ट्रेंड हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ तक गलती से चला गया है, मतलब यहाँ पे रिटेलर इतना परचेस करने के लिए बेताब हो गया कि वो यहाँ तक चला गया, हो सकता है इसके बाद नीचे आके ऐसे तोड़ दे। ओके ओके एग्रीड, इसीलिए तो मैं बोला कि सेकेंड कॉन्फर्मेशन से पहले हम लोग नहीं करेंगे, ये तो फर्स्ट कॉन्फर्मेशन है ना, जैसे नीचे आके ऊपर जाएगा तो सेकेंड कॉन्फर्मेशन, तब जाके आप यहाँ पे ब्रेकआउट में भी बाई कर सकते हो, या ऊपर जाने के बाद यही लाइन पे जब रिट्रेस करेगा ऐसे तब आप बाई कर सकते हो। तो ये हो गया सेफ एंट्री, मतलब ऐसा अगर एंट्री हो गया इसका मतलब ये ऊपर जाएगा ही। अभी आप जो है ऊपर का मंथली रेजिस्टेंस निकाल के आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो, एक टारगेट यहाँ पे हो जाएगा ये जगह पे 21.90, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा ये यहाँ पे आके ऐसे गया है ना यहाँ से, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 रुपीज में, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो ये चीज जब हम लोग प्राइस पढ़ेंगे तब ये चीज आप लोगों को समझ में आएगा, जब हम लोग प्राइस और ट्रेंड में जाएंगे, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कैसे आपको ये चेक करना है सब कुछ तब पता चलेगा, तब मैं जब जो सारा वीडियो पोस्ट करता हूँ ना वो भी आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या पोस्ट हो रहा है, क्यों पोस्ट हो रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाई करना, ठीक है। तो ये समझ में आया? यस सर। तो हर एक जो ग्रीन कैंडल होता है वो बाइंग के लिए नहीं होता है, और हर एक रेड कैंडल जो होता है वो सेलिंग के लिए नहीं होता है। उसको हम लोगों को अलग करके देखना पड़ेगा कि कौन सा बाइंग हो रहा है और कौन सा सेलिंग हो रहा है, ठीक है।